समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर अपना पुराना प्रयोग आजमाने जा रहे हैं। विधानसभा के उपचुनाव में 11 में से 3 सीटें जीतने के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के काडर को एकजुट करने के लिए, उनमें नई जान फूंकने के लिए अखिलेश यादव एक बार फिर से साइकिल पर सवार होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अखिलेश यादव एक साइकिल यात्रा निकालेंगे। आपको याद होगा कि साल 2012 में जब अखिलेश यादव खुद साइकिल पर सवार होकर के निकले थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे और उन्होंने अखिलेश से कहा था कि वो साइकिल यात्रा निकाले। उस वक्त जब अखिलेश साइकिल यात्रा पर निकले थे तो 2012 में उन्हें भारी बहुमत हासिल हुआ था और उत्तर प्रदेश में उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हालांकि उसके बाद लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे और दूसरा जो लोकसभा चुनाव हुआ यानी 2019 का, उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए विधानसभा के 11 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उसमें से 3 सीटें जीत करके अखिलेश यादव ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया की ये पूरी रणनीति है कि वो साइकिल यात्रा के जरिए सभी 75 जनपदों में जाएंगे और वहाँ पर जाकर के न केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे बल्कि कुछ मुद्दों का भी चयन किया गया है, जिसमें बेरोजगारी, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे और ग्रामीण इलाकों में हो रही समस्याओं के साथ साथ बेरोजगारी का भी एक बड़ा मुद्दा, युवाओं की नौकरियों का से संबंधित जो मुद्दे हैं, उनके रोजगार को लेकर के जो मुद्दे हैं, ऐसे तमाम वो मुद्दे उठाएंगे जिससे किसान और नौजवान को जोड़ा जा सके। तो अभी साइकिल यात्रा की डेट तय नहीं हुई कि किस दिन से साइकिल यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन ये तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी फिर से खुद को खड़ा करने के लिए, संगठन के स्तर पर फिर से खुद को जीवित करने के लिए एक नई यात्रा पर निकलने जा रही है, जिसकी अगुवाई खुद अखिलेश यादव करेंगे। यानी जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश में साइकिल पर सवार अखिलेश यादव और उनके तमाम जो कोर टीम के सदस्य हैं वो नजर आएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए संगठन को एकजुट करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24।